भास्कर के पीछे, नहीं मिथपैट के पीछे जो मिथिलेश पाटनकर है उसकी कहानी मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ। देखो स्कूल में ना मैं बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करता था, मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था, मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे स्कूल में। बट मेरे अंदर ना एक परफॉर्मर था स्कूल से, जिसको हमेशा क्लास में सबको हंसाने का था, जिसको हमेशा क्लास में से उभर के आना था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू परफॉर्म इन माई स्कूल डेज, बट नेवर गॉट अ चांस। हमेशा स्कूल, मेरी हाइट वैसे तुम लोग को मालूम होगी 6'4" है, तो हमेशा मुझे डांस में पीछे रखते थे। तो स्कूल में दही हंडी का फेस्टिवल हुआ करता था, तो मुझे हमेशा टॉप पे रहना था, लेकिन मैं हमेशा बॉटम पे होता था। तो मेरे अंदर का जो परफॉर्मर था आई फील, वो थोड़ा सा दबा हुआ था, उसको कभी बाहर आने का चांस नहीं मिला स्कूल डेज में। और ये कंटिन्यू होता गया मेरे कॉलेज डेज तक, लाइक जूनियर कॉलेज डेज तक, 11th 12th स्टैंडर्ड तक ऐसे ही था कि मुझे हमेशा से परफॉर्म करना था, बट कभी मुझे चांस नहीं मिला। बट 11th स्टैंडर्ड में ना मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, मिमिक्री का वीडियो था, शाहरुख खान की मिमिक्री का वीडियो था, एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम मैंने मिमिक्री ट्राई की थी जिंदगी में। एंड आई रिमेम्बर मैंने बहुत बुरा किया था, मैंने खुद को रिकॉर्ड किया था, फिर मैंने वो रिकॉर्डिंग देखा और मुझे समझा कि नहीं मैं मिमिक्री नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं मिमिक्री करता गया।